हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हम आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। माफ़ी चाहती हूँ, दो दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाई। रीज़न था थोड़ा सा बिजी थी इसलिए नहीं डाल पाई हूँ। आगे से आज से आपके सामने हमारी वीडियोस रेगुलर रहेंगी। अब कोशिश करूँगी कि डेली अपलोड करूँ 2 से 3 वीडियोस। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने करेंट अफेयर्स पार्ट 3। करेंट अफेयर के पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, वैज्ञानिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, ये कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी खेल घटनाक्रम, जो कि पार्ट 3 में है। खेलों का बहुत ही मेजर रोल होता है करंट अफेयर में, जो कि प्री में बहुत ही ज़्यादा खेलों से क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सा अवार्ड जीता, इंडिया के किसने गोल्ड मेडल, किसने सिल्वर मेडल, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, चर्चित व्यक्ति हो या फिर कोई पुस्तक हो, हर एक के बारे में करेंगे। मैं यहाँ श्योरिटी से कहती हूँ, गारंटी है मेरी कि अक्टूबर के जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी मटीरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाइनर के लिए मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी जब अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उसी 1 लाइन का डिस्क्रिप्टिव मैं वीडियो में वर्बली आपको समझा दूंगी। तो इसीलिए आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। और जो हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए हम शुरू करते हैं आगे करंट अफेयर का पार्ट 3, जिसमें आज हम देखेंगे खेल की दुनिया में अक्टूबर माह में क्या क्या घटनाएँ हुई। ये हमने पहले पढ़ा था राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये रिवीजन टाइप में है आपका। अंतर्राष्ट्रीय हमने पढ़ा था, इसी की मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप जब भी कभी देखना चाहें इसे, आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले 5 मिनट्स का, तो इसे पूरा एक बार देख सकते हैं। ये पूरा हो गया था हमारा अंतर्राष्ट्रीय। ये वैज्ञानिक घटनाक्रम, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या घटनाएँ हुई पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय साथ साथ। तो अब हम शुरू करते हैं खेल घटनाक्रम। तो खेल घटनाक्रम में आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्रिकेट से है, जो कि आज के युवाओं का सबसे पसंदीदा खेल है। तो सबसे कम टेस्ट और पारियां खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये क्रिकेटर बने हैं हमारे फेवरेट विराट कोहली। 5 अक्टूबर को, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देती हूँ, 5 अक्टूबर को सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेले पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कैप्टन विराट कोहली ने अपना 24वां टेस्ट शतक लगाया। सबसे कम टेस्ट और पारियां खेलकर 24 शतक बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं। इन्होंने 72वें टेस्ट में 123वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी। और ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रेडमैन ने 43वें टेस्ट की 66वीं पारी में 24वां शतक बनाया था। तो मतलब कि ये सबसे पहले थे जो डॉन ब्रेडमैन थे। इसके अलावा सबसे कम टेस्ट और पारियां खेलकर 24 शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय क्रिकेटर भी थे, ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रेडमैन। तो अब ये जो सेकेंड क्रिकेटर बने हैं, तो फर्स्ट क्रिकेटर का ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी विश्व कप, पुरुषों की जो हॉकी विश्व कप है 2018 का शुभंकर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका शुभंकर है ओली। ये जो 9 अक्टूबर में को जो उड़ीसा सरकार और खेल और युवा सेवाओं के विभाग, उड़ीसा के प्रसिद्ध जो समुद्री तट है, हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक शुभंकर का नाम ओली है। और इसके साथ साथ हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी भी इसी समय लॉन्च की गई थी। इस जो शुभंकर का जो उद्देश्य था, ये शुभंकर क्यों रखा गया है, क्योंकि ओलिव रेडली टर्टल जो होते हैं, टॉर्टोइस कछुए के संरक्षण के विषय में जागरूकता का प्रसार करना है। अब मैं आपको बता दूं कि हॉकी जो विश्व कप है पुरुषों का 2018 उड़ीसा के भुवनेश्वर में 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये आयोजित हो चुका होगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग लेट हैं, मैं लेट हूँ एक्चुअली, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं लेकिन कंप्लीट ज़रूर करेंगे।
तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2018 को वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2018 में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मिला है लुका मॉड्रिक को। और लुका मॉड्रिक कहाँ के हैं? लुका मॉड्रिक हैं क्रोएशिया के खिलाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं UPPSC में, MPPSC में, जो भी वन लाइनर, मतलब कि जो हमारा MCQ टाइप में क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें बता देती हूँ। ये तो बता ही दिया, द बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी मिला है लुका मॉड्रिक को, और द बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी मिला है मार्टा को, जो कि ब्राज़ील की हैं। और एक और चीज़ इसमें आ सकता है, द बेस्ट फीफा फुटबॉल कोच वो मिला है दिदिर डिस चैम्पस को, ये है फ्रांस की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे हैं, द बेस्ट फीफा महिला कोच, फीफा गोलकीपर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो तीन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। और ये अवार्ड कहाँ वितरित किया गया? ये अवार्ड लंदन में वितरित किया गया था फीफा संस्था द्वारा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में संपन्न हुई अहमद कॉमट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? अब इस टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता तो नहीं है, लेकिन जब इंडिया का नाम आ जाता है, इंडिया के खिलाड़ी उसमें शामिल हो जाते हैं, या किसी ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता होता है, तो ये प्रतियोगिताएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन प्री में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया ने जीता 7 पदक, 7 पदकों में 3 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 2 ही कांस्य पदक जीते। ये जो आयोजन हुआ था अहमद कॉमट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का, ये हुआ था इस्तांबुल तुर्की में, और 10 से 16 सितंबर 2018 के बीच। और इस पदक तालिका में भारतीय महिला टीम 2nd नंबर पे रही और 1st नंबर पे रही तुर्की की टीम। तो ये इसके इम्पोर्टेंट खबरें थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 से 25 नवंबर 2018 तक AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भारत में, ये आयोजित की जाएगी भारत में। तो इसके बारे में बता दूँ, इस सबसे पहले जो भारत में और पहले आयोजित की गई थी, ये गई थी 2006 में आयोजित पहले भारत में की गई थी। और इसका जो पहला संस्करण शुरू जब हुई थी, ये हुई थी, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, AIBA महिलाओं के विश्व चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण हुआ था ये 2001 में हुआ था, 2001 में पहला संस्करण हुआ था, और ये हुआ था स्क्रैंटन USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट में आयोजित हुआ था। और AIBA का जो मुख्यालय है वो है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार MPPSC UPPSC और अदर स्टेट PSPSC में आया हुआ है। और इसके जो इस समय अंतरिम अध्यक्ष हैं वो हैं गफूर रहीमोव, इस समय के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 16 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये इंडियन ने जीता है। इसका नाम है कीर्तना पांडियन, इन्होंने जीता है ये भारत की। और ये जो खेला गया था, ये खेला गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस में खेला गया था अंडर 16 विश्व नोकर चैंपियनशिप। और इन्होंने हराया था फाइनल में बेलारूस की अल्बिना लेस्चुक को 3-1 से हराया था। और कीर्तना पांडियन का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी है, तो इनको बहुत बहुत बधाई है इस खिताब के लिए। बहुत ही गर्व की बात है कि ये इंडिया से हैं और इन्होंने ये पदक जीता हम लोगों के लिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता टूर चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो गोल्फ की ये प्रतियोगिता का नाम है टूर चैंपियनशिप, इसके विजेता है टाइगर वुड्स। और ये प्रतियोगिता हुई थी अटलांटा जॉर्जिया में, और ये टाइगर वुड्स हैं ये अमेरिका के हैं, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 2018 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त, ये सानिया रिचर्ड रॉस को एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन होगा, मतलब एक्चुअली हो चुका है, यह है
21 अक्टूबर 2018 को। और ये जो सानिया रिचर्ड्स के बारे में बता दूं, इन्होंने 2004, 2008, 2012 में ओलंपिक प्रतियोगिता में 4 गुना मतलब कि 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और 2012 में ही ने 400 मीटर में ही व्यक्तिगत स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और इन्होंने 2006 की जो वर्ल्ड कप हुई थी उसमें 400 मीटर की दौड़ में 48.70 सेकंड के साथ अमेरिकी रिकॉर्ड भी बनाया था। और ये जो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है, ये इसका जो वार्षिक रूप से आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है 2005 से। तो ये भी थोड़ा सा नॉलेज में आप लोग रख लीजिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे डकार में। आज मैं आपको करंट अफेयर्स का एक होमवर्क देती हूँ, आप मुझे बताइए डकार कहाँ है। मुझे तो पता है लेकिन आप और अपना खुद का नॉलेज चेक कीजिए डकार कहाँ है। लेकिन हाँ, गूगल बिल्कुल नहीं करना है, आप अपने नॉलेज से बताइए कि डकार कौन सी जगह स्थित है। ये जो घोषणा हुई है इसकी आयोजित करने की, ये हुई है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जो बैठक हुई उसमें इसका निर्णय लिया गया कि युवा ओलंपिक खेल 2022 डकार में होंगे। और तो ये जो डकार ने अफ्रीकी देश बोत्सवाना, नाइजीरिया और ट्यूनिशिया को इस उम्मीदवारी के दौर से हराया है और ये मेज़बानी अपने हाथ में ली है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने कजाकिस्तान की एग्रिम कसानायेवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो हमारी फेवरेट एमसी मैरी कॉम ने ये पदक जीता है हमारे लिए। और ये जो हुई थी, ये प्रतियोगिता हुई थी ग्लाइविस पोलैंड में। और इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में मैरी कॉम ने 48 किलोग्राम के भार में इनको हराया था, एग्रिम कसानायेवा को। और इस हराने की वजह से इन्होंने अगले माह अर्जेंटीना में होने वाली, मतलब कि नवंबर महीने में अर्जेंटीना में होने वाली युवा ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली वो एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। तो बहुत ही गर्व की बात है इंडिया के लिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्यूनस आयर्स मतलब कि जो कि अर्जेंटीना में स्थित है में आयोजित यूथ ओलंपिक खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है जेरेमी लालरिन नुंगा ने। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बता देती हूँ। ये अर्जेंटीना में यूथ ओलंपिक खेल में पुरुष भारतोलक थे जेरेमी लालरिन नुंगा, और ये स्वर्ण पदक उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। और यूथ ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इसी दिन और भी चीज़ें हुई थी ब्यूनस आयर्स में। ये जो निशानेबाज है हमारी मनु भाकर, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता था इस दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में वरीयता पाने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है, पहले भारतीय रेसलर कौन है? तो ये हैं बजरंग पूनिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रैंकिंग में जारी एक सूचना के अनुसार, सूची जो जारी हुई थी उसमें भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में तीसरी वरीयता प्रदान की गई थी। और ये जो आयोजन होगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 का आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में किया जाएगा। तो ये हमारी आज की न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में न्यू कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। ये कबड्डी लीग कब से शुरू होगी? तो ये कबड्डी लीग शुरू होगी 26 जनवरी 2019 से। और इसके बारे में और चीज़ें बता दूँ, इसमें 8 टीमें शामिल होगी और इसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। तो और विजेता टीम को 1.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 अक्टूबर 2018 को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए? तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए और 10,000 रनों के क्लब में शामिल होने वाले विश्व के 13वें और भारत के 5वें क्रिकेटर बने। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी इस क्लब में शामिल हो चुके हैं और विशाखापट्टनम में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेलते हुए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इन्होंने ये रन पूरे किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो चर्चा में क्यों रहे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, तो ये चर्चा में थे दुष्कर्म के एक मामले में फंसे होने के कारण। तो अक्टूबर में स्कॉटलैंड और पोलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैचों में, दो मैचों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल की टीम में शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया था। इनके बारे में इम्पोर्टेंट खबर न्यूज़ में बता दूँ कि इन्होंने 154 मैच खेले हैं और जिसमें 85 गोल किए हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अपने पहले टेस्ट मैच में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो ये हैं पृथ्वी शाह। ये हमारे पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जो पहले ही मैच में, पदार्पण मैच में अपने इन्होंने शतक बनाया। इन्होंने अक्टूबर में सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेले जा रहे टेस्ट में अपने पहले ही मैच में 134 रन की शतकीय पारी खेल के नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे पूर्व जो सबसे कम उम्र में शतक बनाया था वो बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफल ने बनाया था और इसके अलावा जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मश्क दजा ने और पाकिस्तान के सलीम मलिक ने भी सबसे कम उम्र में अपने अपने देशों में शतक बनाया था। और ये भारतीय, पहले भारतीय हैं और विश्व के 4थे नंबर के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पदार्पण मैच में सबसे कम उम्र में शतक बनाया था। और अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं बांग्लादेश के अशरफल। इन्होंने 17 वर्ष 61 दिन के में सबसे पहले मैच में अपना शतक बनाया था। और पृथ्वी शाह के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इन्होंने 2018 की इन्हीं की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीता था, पृथ्वी शाह की कप्तानी में 2018 में। तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये इंडिया के। नेक्स्ट, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ऑब्वियस हमारे महेंद्र सिंह धोनी माही के नाम है अंतर्राष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड। इन्होंने एशिया कप 2018 में सुपर फोर में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेले गए मैच में ये उपलब्धि हासिल की। लेकिन सर्वाधिक एक दिवसीय मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के नाम है जिन्होंने 230 मैच में कप्तानी की है। ऐसे ही न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग दूसरे स्थान पर जिन्होंने 218 मैच में कप्तानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गणपत राव अलंकर का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? निधन होता है, कोई अवार्ड मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पीएससी प्री के लिए। तो इनका जो संबंध है गणपत राव अलंकर का, इनका संबंध है कुश्ती से। इनका निधन जो हुआ वो, ये रेसलर थे और ये 83 वर्ष के थे, आयु में इनका निधन हो गया है और ये पुणे में इनका निधन हुआ है। इन्होंने 1964 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कि इन्होंने कुश्ती में इनके योगदान के लिए 1964 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और 1982 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें शिव छत्रपति अवार्ड भी प्रदान किया गया था। तो आज हमारे यहीं ख़त्म होते हैं खेल के घटनाक्रम। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अक्टूबर माह में कोई भी इम्पोर्टेंट खेल नहीं हुए हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरी ये वीडियोस करिए। इसके अलावा कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही वीडियोस आपके लिए काफ़ी हैं। लेंदी हैं, लंबी हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए लेंदी है ना। शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का कोई भी, हमेशा मेहनत और लॉन्ग टर्म से ही हम लोग प्री और मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।